પંચમહાલ જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે છઠ્ઠી પાવાગઢ પરિક્રમાનો પ્રારંભ થયો છે। પાવાગઢની તળેટીમાં આવેલા વાઘેશ્વરી માતાના મંદિરથી સાધુ સંતોની હાજરીમાં લીલી ઝંડી આપવામાં આવી। ગુજરાતભરમાંથી આવેલા 1000થી વધુ પદયાત્રીઓએ આ પરિક્રમામાં જોડાયા હતા। પાવાગઢ ફરતે થતી 44 કિલોમીટર પરિક્રમા થાય છે। અતિ પ્રાચીન એવી પવિત્ર પાવાગઢ પરિક્રમા જેનું વેદોમાં અને પુરાણોમાં અતિ મહત્વ છે ने विश्वामित्री ऋषिनी तपस्वी एवं पावागढ़ पर्वत जेने श्रीयंत्र पर्वत तरीके पण कही शकाय तेवा पर्वतनी परिक्रमा करवानुं सौभाग्य प्राप्त थाय तो जीवन धन्य थई जाय छे। पंचमहाल जिल्लाना पावागढ़ खाते आवेला वागेश्वरी माताना मंदिरथी हजारों साधु संतो तेमज हालोलना धारासभ्य जयद्रथश्री परमारनी उपस्थितिमां पावागढ़ परिक्रमाने वहेली सवारे लीली झंडी आपवामां आवी हती। महाकाली माताना जयघोष साथे पावागढ़ परिक्रमा निकली हती। पावागढ़ परिक्रमा समिति द्वारा आयोजित आ परिक्रमा में रजिस्ट्रेशन थयेला 1000 वधु माई भक्तो जोड़ाया हता। 2 दिवस चालनारी आ पावागढ़ परिक्रमानो प्रथम पड़ाव ताजपुरा खाते हशे, त्यारबाद खुनिया महादेव खाते अने परिक्रमा संपन्न थशे। कोरोनानी महामारीने ध्यानमां राखीने आ परिक्रमामां आ वखते पदयात्रीओए मास्क नजरे पड्या हता। आवेला साधु संतोए जणाव्युं हतुं के भारत वर्षनी हिंदू धर्मनी सौथी मोटी शक्तिपीठ महाकाली मानी परिक्रमानो विक्रम विसरायो हतो। त्यारे आ परिक्रमानो हेतु हिंदू धर्मना मूल्योनुं जागरण थाय, हिंदुओ पवित्र जीवन तरफ वळे अने सुख समृद्धि प्राप्त करे ते छे। किरण गोहिल, JDS TV, पंचमहाल।